नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केतु की। यदि मीन लग्न में जहां यहां 12 स्थान है, यदि पहले स्थान में 12 अंक लिखा है तो आपकी राशि, आपका लग्न जो है वो मीन है। मीन में लग्न राशि मीन है, तो यहां अगर प्रथम भाव में मीन राशि हो तो केतु आपके किसी भी भाव में बैठा हो तो कैसा फल देगा, आज की वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बाकी ग्रहों के साथ, केतु के बलाबल के साथ इसका सामंजस्य बिठाना होगा, अन्यथा आपको इसका परिणाम ठीक से नहीं दिखेंगे। किंतु अगर आप सामंजस्य ठीक बिठा लेते हैं तो आपको ये पूर्व जानकारी ठीक समझने में मदद करेगी। अगर केतु लग्न में हो, लग्न में केतु यदि गुरु अच्छी स्थिति में है, योग कारक स्थिति में है, तो यहां बहुत शुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, दूरदर्शी होता है, थोड़ा सा जिद्दी या हठी हो सकता है, किंतु बहुत धार्मिक और परोपकारी स्वभाव का भी होता है, लेकिन इसमें परोपकार और स्वार्थ का मिश्रण दिखाई देगा। तो यहां केतु अच्छा फल देगा, शिक्षा के लिए अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, और साथ साथ यहां पर केतु जो है भाग्य और स्वभाव के लिए भी अच्छा फल देगा। तो जब भी केतु की दशांतर दशा आएगी अच्छा फल होगा, किंतु कंडीशन ये रहेगी कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए। यदि बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं हुआ तो यहाँ बिल्कुल अच्छा फल दिखाई आपको नहीं देगा। अगर केतु दूसरे भाव में हो, यहाँ पर अब यहाँ अगर मंगल जो है वो शुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर केतु की दशा धन की वृद्धि करेगी, और अगर मंगल शुभ स्थिति में नहीं हुआ तो ये नेत्रों के लिए, वाणी के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाएगा। पर आमतौर पर केतु यहाँ अच्छा फल देता है, थोड़ा सा वाणी और नेत्रों पर जरूर अशुभ प्रभाव डालता है, लेकिन बाकी दृष्टि से केतु यहाँ धन की दृष्टि से थोड़ा शुभ माना जाता है। अगर केतु यहाँ हुआ तृतीय भाव में, तृतीय भाव में केतु कभी भी बहुत शुभ फल नहीं देता। केतु यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करता है, पिता से एक वैचारिक विरोध को पैदा करता है, पिता के साथ सामंजस्य ठीक नहीं रहता। जब भी दशांतर दशा आती है अड़चने बढ़ जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, हार्ड वर्क कराता है बहुत, लेकिन सफलता उतनी प्रत्याशित नहीं हो पाती है, तो यहाँ केतु शुभ फली नहीं होता। अगर केतु आपका चौथे भाव में हो, यहाँ पर केतु जो है वो आमतौर पर शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता। यदि बुध योग कारक स्थिति में हुआ तो थोड़ा मिश्रित फल हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर आमतौर पर केतु जो है अशुभ फल देता है। माता के लिए अच्छा नहीं होता, भूमि वाहन पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा नहीं होता, साथ साथ मन में बेचैनी अशांति ऐसे व्यक्ति को ज्यादा रहती है। जब भी दशांतर दशा आती है मानसिक बेचैनी, मानसिक अस्थिरता थोड़ी बढ़ जाती है। अगर बुध इसके साथ ही हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो, यानी कि गुरु या मंगल गुरु के साथ अगर उसकी एक समझिए कि योग कारकत्व बन गया है, तो उस स्थिति में केतु की दशा आपके लिए उन्नति वाली थोड़ी रह सकती है। अगर केतु पंचम भाव में हो, यहां पर अब यहां पर केतु जो है ये सदैव अशुभ फल देने वाला माना जाता है। यहां पर केतु बैठकर शिक्षा को अशुभ प्रभाव डालता है, संतान में जरूर परेशानी पैदा करता है। जब भी दशांतर दशा आती है संतान की प्राप्ति में, संतान के साथ संबंध में, संतान के साथ सामंजस्य में परेशानी पैदा कर देता है, संतान के साथ साथ पिता के साथ संबंध को भी प्रभावित करता है, भाग्य में अड़चने बढ़ जाती हैं, भाग्य के कारण अड़चने आने लगती हैं ऐसे व्यक्ति को। इनकम सोर्सेज यहाँ पूर्ण दृष्टि डालता है तो आपके इनकम सोर्सेज को रिड्यूस कर देता है। जब भी दशांतर दशा आती है इनकम जो है वो कम होने लगती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है दशांतर दशा में। तो यहाँ केतु कभी भी शुभ फल देने वाला नहीं देखा जाता। अगर केतु यहाँ बैठा है, यहाँ केतु सदैव बहुत अशुभ फल देता है। जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी कर्ज, रोग, शत्रु बढ़ने लगेंगे। फिर इसकी पंचम दृष्टि देखिए तो काम पर आती है, काम भी नीचे की ओर आने लगेगा, काम में अस्थिरता आ जाएगी, काम में परेशानियां बढ़ने लगेंगी, नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो बाधाएं आने लगेंगी, नौकरी बार बार छूट भी सकती है, तो यहाँ के लिए खराब हो गया। फिर इसकी ग्यारहवीं जो सप्तम दृष्टि है पूर्ण, वो बारहवें भाव पर कुंभ राशि में पड़ रही है। यहां पर क्या होगा, इसका खर्च बहुत बढ़ने लगेगा,
व्यक्ति का खर्च बहुत बढ़ने लगेगा, फिजूल की यात्राएं होने लगेंगी, और साथ साथ इसकी जो दशा नवम दृष्टि है वो धन पर पड़ती है, तो संग्रहित धन का पूरी तरह नाश इस केतु अंतरदशा में हो जाता है। तो यहाँ केतु की दशा अंतरदशा बहुत अशुभ मानी जाती है अगर केतु सिंह राशि में छठे भाव में बैठा है। अगर केतु यहाँ है सप्तम राशि सप्तम भाव में और बुध योग कारक स्थिति में हुआ तो थोड़ा सा ठीक शुभ फल दे सकता है, अन्यथा यहां पर भी केतु अधिक शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ केतु अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ केतु अच्छा नहीं है, दशांतर दशा आने पर भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब करेगा, लेकिन बुध यदि योग कारक स्थिति में हुआ तो यहां पर केतु वैवाहिक जीवन के लिए उतना अशुभ फल नहीं देगा अगर उसकी दशांतर दशा आती है तो। अगर यहाँ केतु बैठा हो तो यहां भी केतु शुभ फल ही नहीं होगा, यहां पर केतु बैठकर बहुत ज्यादा संघर्ष करेगा, सदैव अशुभ फल ही देगा। जब भी दशांतर दशा आएगी खर्च बहुत बढ़ जाएगा, संग्रहित धन का नाश होने लगेगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बाधाएं बहुत बढ़ जाएंगी, बिना कारण के दुख आने लगेंगे जीवन में, और भूमि वाहन मकान आदि में परेशानी होने लगेगी, पैतृक संपत्ति आपकी रिड्यूस होने लगेगी, तो समझिए पिता का भी खर्च बढ़ जाएगा और पिता को भी परेशानियां काम में आने लगेंगी। तो ये दशा अंतर दशा निश्चित रूप से बहुत अशुभ मानी जाती है। यदि केतु आपका 11वें सॉरी नवम भाव में हो, वृश्चिक राशि में केतु बैठा हो, तो यहाँ केतु जो है थोड़ा मध्यम फल देने वाला है। अगर मंगल योग कारक स्थिति में हुआ तो यहां बैठकर केतु आपके भाग्य में वृद्धि करेगा दशांतर दशा में, और भाई बहनों के साथ संबंध को ठीक कर देगा, आपकी अभिव्यक्ति को निखार देगा, धर्म में रुचि को थोड़ा बढ़ा देगा, साथ साथ आपकी गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि होने लगेगी और गूढ़ विद्याओं में समझ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। शिक्षा और संतान के लिए भी ये केतु थोड़ा शुभ फली होता है। अगर केतु यहां बैठा हो और गुरु योग कारक स्थिति में हुआ तो यहां बैठकर केतु निश्चित रूप से कार्य में दशा अंतर दशा में वृद्धि करेगा, सुख साधन बढ़ाएगा, धन में वृद्धि करेगा, शत्रुओं को कम करेगा, अपनी दशा अंतर दशा में कर्ज को घटाने लगेगा। किंतु यदि गुरु अशुभ हुआ तो दशा अंतर दशा आने पर काम में परेशानियां और कर्ज बढ़ जाएगा। तो यहां केतु आमतौर पर यहां बैठा हो तो शुभ फल ही देता है अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो। यहां पर केतु बैठे तो शुभ फल नहीं होगा, यहां पर केतु बैठकर जब भी दशांतर दशा आती है इनकम को बहुत डिस्टर्ब करता है, ऐसे व्यक्ति की इनकम में कभी बहुत स्थिरता नहीं रहती है। फिर दूसरा अगर देखते हैं तो इसकी पंचम दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों पर पड़ती है, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब, परिश्रम आवश्यकता से अधिक करना पड़ेगा, संतान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, संतान के सुख में परेशानी आएगी, संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी पैदा करेगा, साझेदारी में डिस्टरबेंस पैदा करेगा और लोगों के साथ संबंध आपके बिगड़ने लगेंगे, जिस कारण से आपको परेशानी मानसिक रूप से भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर केतु कभी भी बहुत शुभ फली नहीं माना जाता है। अगर केतु यहां बैठा है यहां पर केतु अधिक अशुभ फल देगा, जैसे ही दशांतर दशा शुरू होगी खर्च बहुत बढ़ जाएगा, मानसिक परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, पीड़ा बहुत होने लगेगी, मानसिक पीड़ा अधिक होगी, अशांति बहुत आ जाएगी। इसकी पंचम दृष्टि जो है वो मन पर पड़ती है, तो मन को बेचैन कर देगा, अस्थिरता पैदा कर देगा, बुद्धि में चिंता ज्यादा होंगी और समाधान कम समझ में आएंगे, साथ ही साथ आपको माता को रोग आदि परेशानी आने लगेगी, भूमि वाहन मकान में परेशानी आने लगेगी, आपके शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, आपका कर्ज में बढ़ोतरी होने लगेगी, आपके रोग में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपके जीवन में बाधाएं ऑब्स्टेकल परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप विदेश जाने की सेटलमेंट का प्रयास कर रहे हैं और केतु की दशा शुरू हो जाती है तो केतु इसमें थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। विदेश में पृथकतावादी ग्रह माना जाता है केतु, तो विदेश जाने में थोड़ी हेल्पफुल हो सकता है, विदेश की सेटलमेंट में थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। यदि शनि इसके साथ ही बैठा हो 12वें भाव में तो निश्चित रूप से विदेश में जाकर बसने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो केतु यहाँ केवल तब शुभ होगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाकी हिस्सों पर परेशानियां बाकी हिस्सों पर अशुभ प्रभाव आपको देखने में जरूर आते हैं।
तो केतु यहां बहुत शुभ फली नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने बात की मीन लग्न में केतु के प्रभाव को। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, जब आप केतु के प्रभाव के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है केतु जिस घर में बैठा है उस घर के स्वामी की स्थिति कैसी है। जैसी गृह स्वामी की स्थिति होगी वैसा ही केतु का शुभ अशुभ फल में बदलाव होंगे। इसे आप ठीक से सामंजस्य बिठा पाए तो निश्चित रूप से केतु का फल आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।